नमस्कार, हिमाचल प्रदेश आज की मुख्य खबरों में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हो तो हिमाचल प्रदेश की हर ताजा और बेहतरीन खबर पाने के लिए कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 31 मार्च को जो है वो सभी तरह की कोरोना बंदिशें जो है वो खत्म हो रही है, यानी कि जो नो मास्क नो सर्विस थी वो भी यहां पर जो है वो बंदिश खत्म हो रही है। मास्क पहनने पर जो है आपका चालान नहीं कटेगा 31 मार्च के बाद, क्योंकि जो भी यहां पर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी उसके अनुसार जो है सिर्फ 31 मार्च तक किसी भी तरह की बंदिश जो है वो लागू होती है। ऐसे में अगर आगे जो है ये बंदिशें लागू नहीं की जाती है तो 31 मार्च के बाद जो है आपका चालान भी नहीं कटेगा मास्क ना पहनने पर, और किसी भी तरह की कोविड बंदिश जो है वो नहीं रहेगी। वहीं इसी बीच जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वो ये बड़ा अलर्ट भी जारी किया गया है कि कोरोना की चौथी लहर जो है वो जून महीने में आ सकती है। ऐसे में जो है सभी जो है वो सावधानी बरते, इससे जो है वो जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जैसे ही भारत में चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही जो है ये कोरोना जो है वो शुरू हो जाता है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताइएगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2013 से 2015 बैच के जितने भी एचपीयू में जो है यूजी कोर्सेज के विद्यार्थी थे सेमेस्टर सिस्टम के तहत, जिनकी जो है वो डिग्री पूरी नहीं हुई थी, अब अगर वो अपनी डिग्री पूरी करना चाहते हैं तो उनको जो है पर सेमेस्टर 5,000 फीस जो है वो देनी पड़ेगी, यानी कि लूट का सिस्टम जो है यहाँ पर फिर से जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अन्य मुद्दों की बात करें तो रसायन विज्ञान 11वीं कक्षा का जो यहाँ पर पेपर हुआ था उसमें जो है वो सिलेबस जो है आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर पूछा गया था, और आपको बताते चले कि 12वीं का जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है सिलेबस डाल दिया गया था, जिससे जो है वो टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में दिखाई दिए। वहीं बात करेंगे हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अन्य मुद्दों की, तो आउटसोर्स की बात करें तो आउटसोर्स के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। एनटीटी में भी जो यहाँ पर सभी तरह के विषयों पर चर्चा होगी। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी के लिए भी जो यहाँ पर सख्ती निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है इसके लिए नियम बनाए जाए, इसके लिए जो है वो चर्चा की जाए, क्योंकि पिछली कैबिनेट में आपको बताते चले कि प्रस्ताव तो लाया गया था परंतु इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। ऐसे में जो है अगली कैबिनेट में इस पर चर्चा होने की यहाँ पर पूरी संभावना जताई जा रही है, और तब तक जो है इस पर जो भी यहाँ पर रूल्स एंड जो आपके पास आरएनपी बनते हैं उन सभी पर जो है यहां पर जल्द से जल्द निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं सभी अधिकारियों को। तो ये बड़ी खबर यहां पर हिमाचल प्रदेश में रही है, और अलर्ट जो है एक जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो मछली के आयात पर बिल्कुल पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, और ये जो है मत्स्य विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अन्य खबरों के लिए जो है हमारे चैनल साथ जरूर जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।